लास्ट यूनिट में हमने देखा था कि why वेक्टर्स आर सो इम्पॉर्टेंट, वो एक टॉपिक था. प्लस हमने ये भी देखा था कि कैसे छह जो बहुत इम्पॉर्टेंट स्पेशल वेक्टर्स हैं हम उनको यूज़ करेंगे अभी, और हमने उनके बारे में सब डिस्कस किया था. इन दिस यूनिट हमारा जो मेन टॉपिक है वो है टू टॉक अबाउट फोर्स सिस्टम्स, जहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस, कपल मोमेंट्स, वो सब अप्लाई होते होंगे, और हम उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे उसका नेट इफेक्ट. सो अभी देखते हैं. सो द टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज प्राइमरली ऑन फोर्स सिस्टम्स and their resultants. तो ये फोर्स सिस्टम्स होते क्या है, क्योंकि लास्ट यूनिट में तो हमने खाली फोर्स एज ए वेक्टर के बारे में देखा था, सिंगल फोर्सेस और उनके इफेक्ट्स देखे थे. अभी हम बात कर रहे हैं फोर्स सिस्टम्स की. तो to explain that, let me draw some arbitrary body like that. अब कोई ऐसे ही मैंने रैंडम सा बॉडी ले लिया है, और मुझे दिखाना है कि ये 3D बॉडी है. जैसे कि ये सोच ना बैठ जाए कि ये 2D पे हम बात कर रहे हैं, और उसके लिए मैं थोड़ा ऐसे कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, सो दैट वी विल have the idea that it's a 3D body. Okay. So जो dotted line जब भी होता है इसका मतलब है वो पीछे की तरफ है body का, वो दिख नहीं रहा है. तो ऐसा कोई body है जिस पे अभी हम क्या करेंगे. तो कोई भी system के लिए जब भी हम system की बात करेंगे तो पहले तो एक कोई एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई बॉडी होनी चाहिए. उसके बाद जनरली टू एक्सप्रेस कि हम 3 डायमेंशन स्पेस में हैं और जनरली 3D प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मैं एक से 3D एक्सिस भी ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरह से. लेट मी ड्रॉ इट हियर. Comes out like that, and here, say x, y, and z axis. ठीक है. तो इस 3D space में ये body कहीं पे भी है, और उसके ऊपर हम apply कर रहे हैं कुछ forces. Maybe there is a force like this, F1. Let me call this F1. F1 जो force है वो मानिए कि इस body को इस तरफ फोर्स पुश करना चाहता है, धकेल देना चाहता है. एंड कुड बी देयर कुड बी अनदर फोर्स लाइक दिस, सोचिए इस तरफ. तो मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो फोर्स F2 है वो पीछे की तरफ से है, लग रहा है इस बॉडी को, और वो आगे की तरफ उसको धकेलने की कोशिश कर रहा है. इट इज़ ट्राइंग टू पुश द बॉडी फॉरवर्ड और मोर टुवर्ड्स द वाई डायरेक्शन. एंड सिमिलरली मैं एक थर्ड फोर्स ड्रॉ करूँगा कि सोचिए कि ये इस तरफ कुछ लग रहा है, जैसे कि बॉडी को ये पुल करने की कोशिश, खींच रहा है. ठीक है. सो ऐसे कुछ भी फोर्सेस लग सकते हैं, मैंने जस्ट ऐसे ही आर्बिट्रेरली दिखा दिया है. और हो सकता है कि बॉडी के ऊपर कुछ कपल मोमेंट्स एक्ट हो रहे हों. लास्ट सेगमेंट में मैंने देखा था कि कपल मोमेंट्स होते क्या हैं, कि वो प्योर टर्निंग इफेक्ट देते हैं बॉडी के ऊपर. तो मैं एक रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि ऐसा कुछ है. और हमेशा मैं ऐसे एक सिंबल में दिखाऊंगा कि ये कपल मोमेंट है. एक एरो रहेगा और उसके ऊपर एक सर्कुलर एरो दिखेगा टू शो दैट ओके दिस इज ट्राइंग टू रोटेट. ये कोशिश कर रहा है इस डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए. मानिए कि ये से C1 है, कपल मोमेंट C1,
और वैसे ही कुछ पीछे की तरफ से एक लग रहा है मानिए, और ओके सो इस तरफ से सी टू एक कपल है। तो ऐसे मैंने बस ड्रॉ कर दिया है कि जिसमें तीन फोर्सेस हैं और दो कपल मोमेंट्स हैं। और इनफैक्ट अगर याद होगा आपको तो ये कपल मोमेंट मतलब लगाने के लिए दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स कहीं पे भी होने चाहिए। किसी भी तरीके से हमने वो लगाया, तो वो इंस्टेड ऑफ शोइंग कि मैं दो फोर्सेस फिर दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कपल दिखा दिया। ओके, बट मोस्टली जो कपल का ओरिजिन होगा वो मतलब जहाँ से आएगा वहाँ पे फिर से दो फोर्सेस ही होंगे, इसीलिए ये जो नाम है ना फोर्स सिस्टम्स, इट इज जस्ट बिकॉज दैट वी आर नॉट सेइंग फोर्स एंड कपल सिस्टम इन जनरल। ओके, जस्ट फोर्स सिस्टम इज इनफ, क्योंकि ये कपल का जो जो इफेक्ट है वो भी आया होगा किसी फोर्स की वजह से। ओके, ना वैसे एक सिस्टम हम डील करेंगे तो उसको हम सिस्टम फोर्स सिस्टम बोलेंगे, बट प्राइमरीली हम इस कोर्स में जब आगे जाएंगे तो जो सिस्टम हम यूज़ करेंगे वो मोस्टली कोई इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर होगा, कोई ब्रिज होगा, कोई कार होगा, कोई एक प्लायर होगा, कोई रेंच होगा, वैसे ही कुछ हम जो जनरली यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग में या फिर रियल लाइफ में भी हम जो यूज़ करते हैं, वैसे ही किसी सिस्टम को हम लेंगे और उसके ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं उन्हीं को उसके ऊपर दिखाएंगे ऐसे और उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो दैट्स व्हाट इज अबाउट फोर्स सिस्टम्स। बट नाउ व्हाट इज दिस रिजल्टेंट? नाउ ये जो रिजल्टेंट है ये है कि अगर आप बॉडी से पूछोगे, वो जो सिस्टम है, जो बॉडी रिजिड ऑब्जेक्ट है, उसको अगर पूछेंगे और अगर वो बोल पाता तो नेट मतलब क्या उसको फील हो रहा है, मतलब क्या उसको लग रहा है कि अच्छा एज ए होल ये सारे फोर्स कपल मिलके उसको एक कहीं पुश करने की कोशिश कर रहे हैं या उसको कहीं खींचने की कोशिश कर रहे हैं या उसको कहीं घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको मतलब एक ही अगर आंसर देना है कि मुझे घुमा रहे हैं या धकेल रहे हैं या खींच रहे हैं, सो ये जो एक वर्ड वाला आंसर है, सो दैट्स इज द रिजल्टेंट। तो अब जब हम मैथमेटिकली उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका मतलब है कि फाइनली या तो एक सिंगल फोर्स आएगा, ये सारे के जो नेट इफेक्ट है वो आएगा इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल फोर्स होगा, हो सकता है। तो वो बोल मतलब बॉडी बोल रहा है कि मतलब मैं मुझे खींचा जा रहा है या धकेला जा रहा है, डिपेंडिंग ऑन इट्स डायरेक्शन, जिसको वो पॉजिटिव या नेगेटिव बोल रहा है, जो भी है। या फिर हो सकता है बॉडी बोले कि नहीं नहीं मतलब मुझे कोई खींच नहीं रहा है, मुझे कोई धकेल नहीं रहा है, बस मुझे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस टाइम पे जो है हमें एक नेट कपल मिलेगा। और ये जो दो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं कि मुझे बस घुमाया जा रहा है और द रिजल्टेंट ऑफ होल दिस ऑल दिस फोर्सेस इज जस्ट ए सिंगल कपल, या फिर हो सकता है कि ए फोर्स प्लस कपल हो, कि बॉडी बोल रहा है नहीं मतलब मुझे कोई पुश भी कर रहा है और मुझे कोई टर्न भी कर रहा है, पुशिंग प्लस टर्निंग इफेक्ट दोनों ही आ रहे हैं, तो ऐसे भी हो सकता। सो बेसिक आइडिया ऑफ दिस यूनिट विल बी टू टॉक अबाउट दिस, कि जब सारे ऐसे फोर्सेस कपल मोमेंट एक्ट हो रहे हों किसी बॉडी पे तो नेट इफेक्ट उसका क्या है, ऐसा है, ऐसा है या ऐसा है। तो हम यही इस यूनिट में देखने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट हम कुछ ट्रिक्स, कुछ टूल्स, कुछ टेक्निक्स एक्वायर करेंगे इनफैक्ट इन द नेक्स्ट सेगमेंट, जिससे कि हम इस सिस्टम को यहाँ तक सिंप्लीफाई करके ले आए। लास्ट यूनिट में हमने कुछ टूल एक्वायर किए थे जो कि स्पेशल वेक्टर्स थे रिलेटेड टू फोर्स, एंड देन नाउ हम उनको भी यूज़ करेंगे, प्लस हम कुछ और एक्स्ट्रा टेक्निक्स सीखेंगे जिससे कि ये सिंप्लीफिकेशन आसानी से कर पाए। और एक पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है कि जब ये रिजल्टेंट जिसको हम बोलेंगे, जो नेट
इफेक्ट है वो जब आ गया, इज इट एब्सोल्यूट, दैट मीन्स इट इज इट यूनिक, मतलब क्या अगर मैं बॉडी में दो तीन पॉइंट्स ले लूँ, सोचिए यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, इन दो पॉइंट्स को अगर मैं पूछूँ कि क्या रिजल्ट जो नेट इफेक्ट एक ही जैसा है क्या, तो क्या इन दोनों का आंसर सेम होगा? क्या ये दोनों पॉइंट एक ही जैसा फीलिंग कर रहे हैं? नेट इफेक्ट मतलब पुल पुश एंड रोटेशन वाला इफेक्ट, क्या दोनों सब में सेम आ रहा है? तो वो जो है वो क्वेश्चन को भी हम डील करेंगे मैथमेटिकली टू टॉक अबाउट वेदर द रिजल्टेंट इज एट एवरी पॉइंट द रिजल्टेंट इज डिफरेंट और द रिजल्टेंट इज सेम, कि क्या है मतलब वही चीज़ कि क्या हम बोल सकते हैं कि येस दिस इज द रिजल्टेंट, ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे इस यूनिट में. So that is a very short introduction about what a force system will be and what resultant we are talking about. तो इसी के साथ हम ये सेगमेंट इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट सेगमेंट में मिलेंगे टू एक्वायर दैट टेक्निक विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जो कि हमको हेल्पफुल होगा टू सिंप्लीफाई सिस्टम्स फ्रॉम सच कॉम्प्लेक्स मल्टीपल फोर्स सिस्टम्स to a simplified version like this. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं.